ये बहुत बार देखा गया है कि पति पत्नी के जो रिलेशनशिप है उसके अंदर तनाव का कारण एक तीसरा व्यक्ति होता है, चाहे एक लेडी हो या एक आदमी हो। तो आजकल ये बहुत ज़्यादा समाज में ये प्रचलित होता जा रहा है। इस प्रॉब्लम की शुरुआत मेरे हिसाब से जो होती है वो होती है एक स्पेशल जो फीलिंग के लिए हम लोग जो ढूंढ हमारी जो हमेशा रहती है उससे। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी ऑल लव टू गेट दैट फीलिंग ऑफ एक स्पेशलनेस, एक कॉम्प्लीमेंट के लिए, और हर छोटी छोटी एक स्पेशल चीज़ों के लिए हम लोग एक तलाश में हमेशा रहते हैं। तो कोई भी आदमी अगर हमें एक कॉम्प्लीमेंट देते हैं या कुछ मैसेज देते हैं या कुछ छोटा मोटा गिफ्ट दे देते हैं तो ऑब्वियसली वी फील गुड। तो ये जो फील गुड वाला जो फैक्टर है वहीं से ही इस प्रॉब्लम की शुरुआत कर होती है। एंड इन अप्रॉक्सीमेटली 80% केसेस यही रीज़न होता है इसमें। रेस्ट जो केसेस होते हैं उनमें जो ये प्रॉब्लम की शुरुआत होती है इट बिगन्स फ्रॉम द अनहैप्पीनेस इन द करंट रिलेशनशिप। जब हस्बैंड वाइफ जिस रिलेशनशिप में है दे नॉट हैप्पी विद ईच अदर, जो आपस में रिश्ता है वो कॉर्डियल नहीं है, दे नॉट इन टॉकिंग टर्म्स, या फिर वन ऑफ द पार्टनर इज बिलीव्स इन गिविंग कोल्ड शोल्डर ट्रीटमेंट्स, सो वहाँ पे एक दूसरा जो पार्टनर है वो फीलिंग आ जाती है उसके अंदर कि मैं अकेला हूँ और मुझे जो चाहिए उस रिलेशनशिप में वो नहीं मिल रहा है। देन द पर्सन गोज आउट टू लुक फॉर द केयर एंड अटेंशन। हम सब लोगों को ये अच्छा तो लगता है स्टार्ट भी एक नॉर्मल फ्लर्ट की तरह से ये होता है। जो मैं आपको बता रही हूँ 70-80% के आसपास जहाँ से शुरू होता है उसमें से जो 40-50% जो लोग वापस आ सकते हैं उसका रीज़न बिहाइंड दैट इज़ बिकॉज दे आर वेरी फर्म ऑन देयर लिमिट्स। हम लोग अपने आप को जितना अच्छी तरह से जानते हैं उतना अच्छी तरह से कोई नहीं जानता है। सो ओनली वी कैन मेक आर लिमिट्स, वी कैन सेट आर लिमिट्स। हमें पता है हम कहाँ तक जाके फिसल सकते हैं, कहाँ तक जाके हम लोग वापस आ सकते हैं। सो वी हैव टू प्रॉपरली राइट डाउन अपने जो लिमिट्स होते हैं उनको हमें पूरा लिख लेना चाहिए कि इतना तक हम कर सकते हैं, इतना तक हमें नहीं जाना है। क्योंकि जब हम ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो ऑब्वियसली वो हम लिमिट्स नहीं वो करेंगे और हम उसको आगे खिसकाते रहते हैं, सरकाते रहते हैं। So that is not the right time to set the limits. When we are not in the relationship, then we have to set the limits and we have to strictly follow the limits. क्योंकि हमें पता है हम कहाँ से जाके वापस नहीं आ पाएंगे तो we have to be strictly not be going beyond that limits. So सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि अगर आपको पता है कि वो limits cross करने के बाद you will be getting into a spider web और उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, and all these flirtations and all these things they're not worth spoiling a meaningful relationship. तो हमें उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर ये एक लिमिट में रहता है तो जो भी ये फ्लर्टेशंस होते हैं, जो भी ये थोड़ा बहुत अटेंशन सीकिंग होता है, रादर मुझे लगता है ये आपके जो रिलेशनशिप है, जो परमानेंट रिलेशनशिप है, उसको एक बूस्ट देता है। क्योंकि यू कम बैक होम फीलिंग अ हैप्पी पर्सन। सो वो खुश एक आदमी अगर होता है तो ऑब्वियसली वो आपका रिलेशनशिप पॉजिटिवली ही इफ़ेक्ट होगा। सो इफ़ यू डोंट लेट इट गो बियॉन्ड दैट लिमिट तो ऑब्वियसली इट विल गिव अ बूस्ट। और अगर हम लिमिट से पार चले जाते हैं तो फिर तो वो एक जाल है, उसमें हम फंस जाते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई कंसीडर इज हमें इतना कभी भी कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, देखो हर एक के रिलेशनशिप में आते हैं, लेकिन कभी भी हमें उतना उसको गंदा नहीं करना चाहिए। यू शुड स्ट्रिक्टली लिमिट योर सेल्फ टू अ लैंग्वेज विच इज़ वेरी मच सिविक लैंग्वेज, जिसको बोलते हैं एक तमीज़ वाली जो लैंग्वेज है उसमें रहना चाहिए। तो आपको कभी भी गंदी बातें नहीं बोलनी चाहिए। जब रिलेशनशिप में गंदी बातें जाते हैं यू डोंट गेट द वे टू कम बैक। सो कभी भी हमें कितना भी गुस्सा हो, कितना भी वो हो, हमें एक लिमिट तक में बात करनी चाहिए। उससे बियॉन्ड हमें गलत बात, गंदी बात दूसरे आदमी के लिए नहीं बोलनी चाहिए। दूसरा कि हमें पता है कि हम लोग सोशल हैं तो हमें दूसरे लोगों से भी रिलेशन इस तरह के बना के रखने चाहिए सो दैट इन केस वी हैव अ प्रॉब्लम वी कैन गो टू देम एंड वी शुड ऑल्सो बी दैट शोल्डर। किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो भी आपके पास आ सकें। थर्ड थिंग इज़ ऑलवेज गो फॉर अ सॉल्यूशन टू अ पर्सन हु इज़ पॉजिटिव, जो एक खुद अच्छे रिलेशनशिप में है, जो खुद पॉजिटिवली लाइफ को देखता है, खुद डिवोर्सी हैं, खुद सिंगल हैं, खुद ख़राब रिलेशनशिप में हैं, खुद उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं, तो ऐसा एक व्यक्ति आपको सही दिशा कभी भी नहीं दिखा पाएगा। वी शुड ऑलवेज गो एंड सीक हेल्प फ्रॉम अ पॉजिटिव पर्सन।
आपके बच्चे आपकी ज़रूर हेल्प कर सकते हैं इफ़ यू इन्वॉल्व देम. अगर बच्चे छोटे हैं तो ऑब्वियसली यू शुड नॉट इन्वॉल्व देम, लेकिन अगर बच्चे बड़े हो गए हैं तो आप एज अ फैमिली बैठ के उस प्रॉब्लम को ऑब्वियसली जिस एज के वो हैं उस लेवल तक उनको बता के एंड देन यू कैन गेट द सॉल्यूशन. या फिर आप अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं. बट सबसे पहली चीज़ जो मैं बोलूँगी वो आप दोनों ही बैठ के, बिकॉज यू नो ओनली अ वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस. सो आप दोनों ही बैठ के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें. सबसे पहले उस प्रॉब्लम में आप अपनी गलती फाइंड करने की कोशिश करें, अपनी गलती ढूंढने की कोशिश करें. देन व्हाट यू एक्सपेक्टेड द अदर पर्सन टू बी, किस तरह से आप चाहते थे कि दूसरा आदमी उस बात को रिएक्ट करता, वो लिखें. फिर उस चीज़ को आप एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करें. ये आप अपने आइडियाज़ उनको दूसरे व्यक्ति को बताएं, हस्बैंड वाइफ को बताएं. तो मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ़ द प्रॉब्लम्स यहीं पे ही सॉल्व हो जाती हैं. एक्चुअली कम्युनिकेशन गैप होता है. आप क्या सोच रहे हैं वो दूसरे व्यक्ति को पता ही नहीं होता है. आप किस तरह से उस चीज़ को ले रहे हैं, समझ रहे हैं, वही चीज़ नहीं पता होती. तो मोस्टली कम्युनिकेशन गैप की वजह से प्रॉब्लम होती है. एंड इफ़ यू सिट एंड टॉक मोस्ट प्रॉब्लम्स विल गेट सॉल्व. अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी लिमिट्स को हमें बहुत ही फर्म और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए. अगर हम लोग एक फ्लर्टेशियस इंसान हैं तो वी हैव टू बी स्टाउंचली रिगार्डिंग आवर लिमिट्स. और दूसरी बात कि कभी भी हमें कोई भी डिसीजन जब हम लेते हैं तो उसके लिए हमें वे करना चाहिए कि इज़ इट वर्थ डूइंग एंड स्पॉइलिंग द परमानेंट रिलेशनशिप दैट यू हैव. सो कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी चीज़ लेने से पहले, बिफोर टेकिंग अ लीप वी शुड ऑलवेज थिंक ट्वाइस.